वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में देखने वाले हैं आप सभी के होने वाले क्लास 9 के हाफ ईयरली एग्ज़ाम, या फिर कब आपका जो क्लास 9 का होने वाला मिड टर्म एग्ज़ाम है उसके लिए कुछ एक इम्पॉर्टेंट कह लो साइंस के टॉपिक्स, या फिर कह लो कुछ एक ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको आपको सभी चैप्टर्स में 100% प्रिपेयर करके जाना चाहिए। अगर आप मेरे बताए हुए इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको आपके साइंस के एग्ज़ाम में कोई भी फुल मार्क्स स्कोर करने से रोक नहीं पाएगा। साथ ही साथ हमारे इस चैनल पे आपको साइंस के सभी चैप्टर्स के आपके न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स मार्क कराए गए हैं जिनका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप जाके एक बार उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें जिनमें आपको बताया गया है कि किस चैप्टर से क्या कुछ आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना चाहिए, कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम, एनुअल एग्जाम या फिर मिड टर्म एग्जाम में साइंस का 100% एनसीईआरटी से आपसे पूछा जाएगा। वो सभी क्वेश्चंस मैंने वन बाय वन मार्क करा रखे हैं। उन वीडियोज़ का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके पहले उन वीडियोज़ को देखें। और साथ ही साथ जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर बता रहा हूँ, अगर आप इन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लेते हो तो जो मैंने लिख रखा है थंबनेल पे ना कि साइंस हाफ ईयरली एग्जाम या फिर मिड टर्म एग्जाम पेपर लीक्ड, वो 100% ट्रू है। और आप इतना कर लोगे तो आपको साइंस में 80 out of 80 स्कोर करने से कोई भी रोक नहीं सकता है। बट आप बस आप करना क्या है कि जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं उन क्वेश्चंस को कर लो और जो एक टॉपिक्स हैं इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना जो मैं यहाँ पे आपको मार्क करके देने वाला हूँ। ठीक है, देखो आपको करना क्या है, जो आपका साइंस का चैप्टर वन है, साइंस का आपका जो चैप्टर वन है, ठीक है, कैलो केमिस्ट्री का पार्ट होता है चैप्टर वन, इससे आपको करना क्या है तो सबसे पहले आपको कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, ये टॉपिक आपको एकदम अच्छे से आना चाहिए। कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। साथ ही साथ आपको डिफ्यूज़न, अगर आपने अभी तक इसको नहीं पढ़ा है तो इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, डिफ्यूज़न एंड इवोपोरेशन ये आपको करना है। और साथ ही साथ आपको देखना है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ इवोपरेशन को इफेक्ट करते हैं, जिसके वजह से रेट ऑफ इवोपरेशन हमारा इंक्रीज होता है। तो ये आपको चैप्टर वन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको साइंस चैप्टर वन से अच्छे से प्रिपेयर करना है। तीन टॉपिक्स को प्रिपेयर करो और इस चैप्टर वन का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता रखा है एनसीईआरटी का उसको आप जाके प्रिपेयर करें। बस आप समझ लो इतना आप कर लेते हो तो साइंस में आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे। ठीक है, अगला चैप्टर हमारा आता है साइंस का ही चैप्टर टू। ठीक है, चैप्टर टू में आप बच्चों क्या करना है कि चैप्टर टू में आपको करना है कि पहला ध्यान देना है कि न्यूमेरिकल ऑन कंसंट्रेशन। दूसरा आपको पॉइंट इंपॉर्टेंट पढ़ना है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। किस ऑब्जेक्ट में किस सब्जेक्ट किस कह लो किस कोई भी आपको एक रिएक्शन दिया जाए, कोई भी आपको एक डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम दिया जाए जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको प्रिपेयर करना है कोलाइडियल। ठीक है, टिंडल इफेक्ट जो आपको पढ़ा सकते हैं टिंडल इफेक्ट, इसको एक बार आप अच्छे से देख लेंगे इस चैप्टर से टिंडल इफेक्ट्स। ठीक है, आप समझ लो इतना अगर आप चैप्टर टू में करते हो और एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लेते हो। देखो मैंने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही आपको नहीं बताए, हर एक चैप्टर में कुछ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए हैं जो एनसीईआरटी बुक के अलावा है जिनको आपको पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर थ्री अगला हमारा आता है चैप्टर थ्री में आपको क्या प्रिपेयर करना है तो फॉर्मूला मेकिंग आपको चैप्टर थ्री में प्रिपेयर करना है। आपको एकदम 100% काफ़ी अच्छे से आना चाहिए फॉर्मूला मेकिंग। ठीक, चैप्टर थ्री में आपको करना है, पहला बात मैंने बताया फॉर्मूला मेकिंग, दूसरा मॉलिकुलर मास आप अच्छे से कर लेंगे, मॉलिकुलर मास कि कैसे मॉलिकुलर मास कैलकुलेट करते हैं, किससे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और थर्ड पॉइंट आपको इसमें पढ़ना है लॉज एंड केमिकल रिएक्शन, ये पॉइंट आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो थर्ड चैप्टर में आपको करना है इतना, केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है। देखो हो सकता है कि कुछ एक चैप्टर आपके एग्जाम में ना आ रहे हो तो अपने हिसाब से आप देख लेंगे, मैं एकदम सीरियल वाइज आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चैप्टर फोर जो आपका है, चैप्टर फोर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है, पहला पॉइंट है आइसोबार्स एंड आइसोटॉप्स
एंड आइसोबार्स। जब होता क्या है, बच्चे इसको इस पॉइंट्स को देखते नहीं है, ज़्यादा ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, चले जाते हैं, एग्जामिनर ही उनसे पूछ लेता है। अगला आपका वैलेंसी फाइंड करना, कि कैसे हम लोग वैलेंसी फाइंड करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्रिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्रिग्रेशन ये आपको पढ़ना है। साथ ही साथ आपको ध्यान देना है कि कम से कम आप पहले 20 एलिमेंट्स का, 1 टू 20 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्रिग्रेशन आपको याद होना चाहिए या फिर आपको फाइंड करने आना चाहिए। अक्सर आपके एग्जामिनर आपसे ये पूछ लेते हैं, ठीक है। फिर अगला आपका है एवरेज एटॉमिक मास, कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है ये आपको पता होना चाहिए। एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास, इस पे आपसे अक्सर न्यूमेरिकल पूछे जाने के चांसेस होते हैं। तो इतना आपको चैप्टर 4 से करना है, ठीक है, इतना आप कर लो, बाकी मेरे एनसीईआरटी के बताए हुए क्वेश्चंस कर लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। देन अगला है, अगला जो हमारा यूनिट शुरू होता है बायोलॉजी, इसमें आपका पहला चैप्टर आता है सेल। अब सेल में आपको क्या कुछ पढ़ना है, देखो सेल के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करा रखे हैं, जाकर आप उसको देखो। पहला आपको करना है लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, वैक्यूल्स, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। एंड थर्ड पे आप करेंगे ऑस्मोसिस, इसको करेंगे, और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, इनको आप प्रिपेयर करेंगे इस चैप्टर से। ऑस्मोसिस एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, इससे आप अच्छे से करके जा रहे होंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट चैप्टर आपका है टीशू। देखो अगर आप इतना करके जाते हो, देखना आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, और अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, आपका पेपर अच्छा होता है, तो आप हमें आगे कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। अगला आपका पॉइंट है जो इसको करना है आपको, मस्कुलर टिश्यू, इसको पढ़ लेना है मस्कुलर। देखो ऐसे पढ़ना तो आपको ज़्यादा है, बट सबको पढ़ना है, बट इन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे, मस्कुलर टिश्यूज। साथ ही साथ आपको करना है सिंपल एंड परमानेंट टिश्यूज, इनको आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। देन आपको करना है जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में आपको पढ़ना है, जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ मेरिस्टमेटिक टिश्यूज इनके बारे में आपको करना है प्रिपेयर, ठीक है। देन अब आपका अगला जो चैप्टर है, अगला जो कह लो पॉइंट है, फिर अगला चैप्टर है आपका जिसको आपको प्रिपेयर करना है, वो है आपका, इसको आप देख लेंगे, ठीक है। अगला चैप्टर आपका है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, उसमें आपका है माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इनको आप ध्यान से प्रिपेयर कर रहे होंगे, माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। देन पोल्ट्री फार्मिंग जो आपका है, इस पर आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको थोड़ा फोकस करके पढ़ाई करेंगे। एंड बी कीपिंग्स ये भी एग्जामिनर्स का फेवरेट टॉपिक होता है, तो इनको आप माइक्रो इम्प्रूवमेंट इन इस वाले चैप्टर से, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, उससे आप इनको प्रिपेयर करके जा रहे होंगे अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स में, मिड टर्म एग्जाम को देने, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे चैनल पे मैथ्स के भी सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मार्क कराए गए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला हमारा जो टॉपिक शुरू होता है, यूनिट शुरू होता है फिजिक्स, जिसमें आपका पहला चैप्टर है लॉ ऑफ मोशन में आपको क्या कुछ ध्यान से पढ़ना है, कि मोशन में आपको पढ़ना है न्यूमेरिकल ऑन इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको आप ठीक से पढ़ाई कर रहे होंगे, इस पर सही से देख रहे होंगे। दूसरा आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट ग्राफ को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ग्राफ में इस पर बेस्ड आपसे न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं, और आपका एमसीक्यू एग्जाम होने वाला है, तो ग्राफ दे करके ग्राफ को आइडेंटिफाई करने के लिए बुलाया सकता है, कौन सा हमारा टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, कौन सा ग्राफ क्या डिनोट कर रहा है, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। थर्ड चैप्टर आपका शुरू, सेकेंड आता है आपका लॉज ऑफ मोशन, सेकेंड चैप्टर हमारा लॉज ऑफ मोशन फिजिक्स का। इसमें आप बच्चों क्या प्रिपेयर करना है, कि न्यूमेरिकल ऑन सेकेंड लॉ, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, न्यूमेरिकल ऑन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन
उसको आप सही से प्रिपेयर करेंगे, जो आपका होता है ना कि फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू में एक्सेलरेशन, इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल्स आप अच्छे से देख लेंगे, अक्सर आपके एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। अगला आपको करना है न्यूमेरिकल ऑन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, न्यूमेरिकल ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल आपको प्रिपेयर करना है। और थर्ड पॉइंट जो आप बच्चों को अच्छे से करना है कि थियोरी पढ़ना है, ठीक है, ओपोनियस लॉज का थियोरी पढ़ लेना है, थियोरी पार्ट आपको कवर करना है, थियोरी पार्ट आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है, एंड एप्लीकेशन ऑफ लॉज, जो थियोरी पार्ट आपको अच्छे से पढ़ना है, और इन जो लॉज ऑफ मोशन हमारे तीन दिए गए हैं इनका एप्लीकेशन आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे कि इनका एप्लीकेशन, ठीक है, जैसे अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है ना कि जब हम बस का ब्रेक लगाते हैं तो पैसेंजर आगे क्यों चला जाता है, इस टाइप की जो भी आपकी एप्लीकेशन वाले प्रॉब्लम्स हैं उनको आप 100% यहाँ से इस चैप्टर से पढ़ रहे होंगे, उसके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन अच्छे से आप पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ मोशन। थर्ड चैप्टर हमारा है ग्रेविटेशन, ठीक है, थर्ड चैप्टर आपका है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन में आपको क्या पढ़ना है कि मास वेट में क्या क्या डिफरेंस होता है, मास वेट को का डिफिनेशन में डिफरेंस क्या होता है, इन पे बेस्ट न्यूमेरिकल और थियोरी पार्ट दोनों आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, न्यूमेरिकल एंड थियोरी, किस पे, तो मास और वेट पे बेस्ट जो भी न्यूमेरिकल और थियोरी हमारे हैं उनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। और दूसरा पॉइंट आप प्रिपेयर कर रहे होंगे न्यूमेरिकल ऑन फ्री फॉल, न्यूमेरिकल्स ऑन फ्री फॉल, इसको भी आप अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो इतना अगर आप कर लेते हो ना, और साथ ही साथ जो आपका ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है जी इक्वल्स टू में जी एम ई अपॉन में आर ई डी का स्क्वायर, इसका डेरिवेशन आप देख सकते हो, इसका डेरिवेशन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे आपका है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इसको भी आप एक बार देख लेना, समझ लेना, पढ़ लेना। तो इतना आप इस चैप्टर से कर लेते हो ना ग्रेविटेशन से, जो आपका एक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर होता है, आप बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, तो इतना आप कर लेते हो तो आप इजीली अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स में, मिड टर्म एग्जाम्स में 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, थैंक यू।